बहुत पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले दो ड्रैगन एक बार भारी बारिश में फंस गए। केवल एक चीज जो ड्रैगन्स को पसंद नहीं थी वो थी बारिश का मौसम, क्योंकि जब उनके पंख गीले हो जाते थे तो बिजली उन पर पड़ती थी। इससे उनके पंखों को नुकसान पहुंचता था और वे कभी आग नहीं उगल पाते थे। उस दिन इतना तेज तूफान आया कि उसने बैंगनी ड्रैगन को अपनी प्रेमिका पीली ड्रैगन से बहुत दूर फेंक दिया। हालांकि पीली ड्रैगन अपनी प्रेमी की तलाश करना चाहती थी, पर पंख गीले होने से वो उदास थी और बैंगनी ड्रैगन एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर गुफा में चला गया। हाँ, ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? गुफा के अंदर से बहुत तेज आवाज सुनाई दी। वो आवाज दुष्ट बाओ की थी, जो आधा भेड़िया और आधा शेर था। मैं तूफान और बिजली का स्वामी हूँ, बाओ, और तुम हो एक आग उगलने वाले ड्रैगन। बैंगनी ड्रैगन इतना डरा हुआ था कि जैसे ही उसने उड़ना चाहा, बाओ ने आकाश में बिजली चमका दी। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम बता नहीं देते कि तुम आग कैसे उगलते हो। तुम्हें आज सारे राज बताने होंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर मैं हमेशा के लिए बारिश कर दूंगा और तुम्हें यहाँ कैद रखूंगा। बैंगनी ड्रैगन बाओ की गुफा में फंस गया था और इधर पीली ड्रैगन हर जगह अपने प्रेमी बैंगनी ड्रैगन की तलाश कर रही थी। उसने भालू के घोंसले में उसकी तलाश की, हाथी के बगीचे में की, यहाँ तक कि एक खरगोश के बिल में भी की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। पीली ड्रैगन को रोता देख एक घोड़ी उसके पास आई। तुम इतनी उदास क्यों हो ड्रैगन? क्या हुआ? मेरा प्रेमी बैंगनी ड्रैगन कहीं खो गया है। जल्दी फिर से बारिश होने वाली है। मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे पंख खराब हो जाएंगे। क्या तुमने फॉरेस्ट रेंजर बंदर से पूछा? शायद वो जानता हो। धन्यवाद, मैं अभी पूछती हूँ। रुको, ये लाल कपड़ा लो और अपने आप को ढक लो, ये तुम्हें कुछ देर के लिए बारिश से बचा लेगा। पीली ड्रैगन लाल कपड़ा लेकर जंगल चली गई और तभी फिर से बारिश होने लगी। पीली ड्रैगन आखिरकार फॉरेस्ट रेंजर के पास पहुंच गई। उसने उससे पूछा कि क्या उसने बैंगनी ड्रैगन देखा है। हाँ, मैंने उसे आकाश में उड़ते हुए देखा था। देखो, ये उसने गिराया था। वो उन चीड़ के पेड़ों की ओर जा रहा था। पीली ड्रैगन जैसे ही बारिश थोड़ी सी रुकी, जल्दी उस स्थान पर उड़ गई जहाँ चीड़ के पेड़ थे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे अपने प्रेमी का कुछ पता नहीं चला। उसी समय एक खरगोश उसके सामने आया। हेलो खरगोश, क्या आपने बैंगनी ड्रैगन को देखा है कहीं? हाँ, मैंने देखा है, वो उस दलदल की ओर जा रहा था। खरगोश से पूछने के बाद जैसे ही पीली ड्रैगन दलदल की ओर जा रही थी, आकाश में फिर से काले बादल घिर आए। अगर आप जानना चाहती हैं कि हर समय बारिश क्यों होती है तो बैल को ढूंढें। पीली ड्रैगन तेजी से दलदल के किनारे की तरफ उड़ गई। यहाँ उसने एक बैल को इंतजार करते देखा, विलो के पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए। मैं बैंगनी ड्रैगन की तलाश कर रही हूँ, क्या आपने उसे इधर कहीं देखा है? अरे नहीं, इधर उधर नहीं, मैंने तो उसे उस खड़ी पहाड़ी पर लहराते देखा था। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, उस पहाड़ी पर बाओ रहता है। बाओ? हाँ, वो वर्षा और बिजली का स्वामी है। वो बहुत अहंकारी और निष्ठुर है, और साथ ही वो बहुत मतलबी भी है, जो सब कुछ पाना चाहता है। ओह, मैं समझ गई, इसलिए बारिश कभी नहीं रुकती। बाओ ने ही बैंगनी ड्रैगन को पकड़ा होगा। तुम अपनी आग से बाओ को रोक सकती हो, और अगर तुम बारिश के समय आग उगलना चाहती हो तो बाघ के पास जाओ और उसकी मदद लो। बारिश शुरू होने से पहले ही पीली ड्रैगन जल्दी से बाघ के पास गई। हाँ,
थोड़ा आगे तुम्हें एक सांप दिखाई देगा। वो तुम्हें एक क्रिमसन जादुई काली मिर्च देगा, उसे एक बारी में ही खा लेना। बाघ के कहने पर पीली ड्रैगन सांप के पास गई और तभी आसमान में फिर से काले बादल छा गए। जल्दी करो सांप, मुझे वो काली जादुई मिर्च दे दो, बारिश होने वाली है। सांप ने अपना सिर मिट्टी के बिल में डाला और जादुई लाल मिर्च निकाली। जैसे ही पीली ड्रैगन ने एक बार में ही मिर्च खा ली, फिर से बारिश और तूफान शुरू हो गया। लेकिन इस बार पीली ड्रैगन को ना तो ठंड ही लगी और ना ही उसके पंख झड़े। वो बड़े साहस के साथ अपने पंख फैलाए खड़े पहाड़ की ओर उड़ने लगी। चलो बताओ मुझे कि तुम आग कैसे उगलते हो, नहीं तो मैं तुम्हारे पैर कभी नहीं खोलूंगा और तुम फिर कभी नहीं उड़ पाओगे। नहीं, आग उगलना हमारे लिए खास चीज है और तुम ये कभी नहीं सीख पाओगे। जैसे ही बाओ बैंगनी ड्रैगन की ओर बढ़ने लगा, उसके पीछे आग का एक गोला दिखाई दिया। क्या? वो कैसे हो सकता है? बारिश में आग नहीं जल सकती। विशाल आग के गोले में से पीली ड्रैगन आती हुई दिखाई दी। मेरे प्रेमी को छोड़ दो बाओ। नहीं, अगर इसने मुझे आग का रहस्य नहीं बताया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पीली ड्रैगन ने सबसे पहले आसमान में काले बादलों से आग उगलकर बारिश को रोका। फिर उसने उस चट्टान को पिघला दिया जिसमें बैंगनी ड्रैगन बंधा हुआ था। इस तरह बैंगनी ड्रैगन मुक्त हो गया। बाओ उनकी शक्ति को देखकर दंग रह गया। तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकती हो? ये प्रेम की शक्ति है बाओ, आग या तूफान नहीं है। हाँ, शक्तिशाली होने के लिए आग की जरूरत नहीं है। तुम एक ड्रैगन नहीं हो? हाँ मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास सारी शक्तियाँ होनी चाहिए, सारी। नहीं, तुम्हारे पास प्यार नहीं है बाओ, तुम अंदर से बहुत अकेले हो। पीले और बैंगनी ड्रैगन अंत में एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत खुश हो गए थे। बाओ ने पहले कभी खुद को इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। हालांकि दोनों ड्रैगन्स का धन्यवाद, उसने अपने दिल में प्यार के अस्तित्व को स्वीकार किया और जंगल के चहकते जीवन में शामिल हो गए। उस दिन के बाद बारिश के मौसम में ड्रैगन आजादी से उड़ने में सक्षम हो गए और यहाँ तक कि आग उगलकर हमेशा के लिए आकाश में प्यार की निशानी छोड़ गए। बहुत पहले जंगल में एक भेड़िया था जो अपने परिवार के लिए खाना ढूंढ रहा था। जंगल में उसे एक आवाज सुनाई दी। ढूंढने पे उसे झाड़ियों के बीच एक छोटा सा बच्चा मिला। ये तो इंसान का बच्चा है, भेड़िया चौंक के बोला। वो उस बच्चे को घर ले आया, उसकी रक्षा करने लगा। जंगल का बाघ शेर खान ये देख के नाराज हुआ, क्योंकि उस बच्चे को इंसानों से वो चुरा के लाया था। भेड़िये के परिवार को ये बच्चा बड़ा प्यारा लगा। हम इसे अब से मोगली बुलाएंगे, माँ ने कहा। उस दिन से मोगली अपने भेड़िये भाइयों के साथ रहने लगा। माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी, जैसे उसका अपना बच्चा हो। बहुत जल्द ही उसकी सभी जानवरों के साथ दोस्ती हो गई। वो उनके साथ खेलने कूदने लगा और जंगल का चप्पा चप्पा जान चुका था। इसी बीच शेर खान मोगली पर दूर से नजर रखे हुए था और मौका ढूंढ रहा था कि कब उसे पकड़ सके। एक दिन भेड़िया अकेला, भालू बलू और तेंदुआ बगीरा मिले मोगली की बात करने। इंसान के बच्चे सयाने होते हैं, क्यों ना उसे जंगल का बच्चा बनाएं? बल्लू और बगीरा, तुम दोनों उसकी रक्षा करोगे और जंगल के हर तौर तरीके सिखाओगे। कई साल बीत गए। बलू बहुत ध्यान से मास्टरी कर रहा था। उसने उसे फल तोड़ना और शहद निकालना सिखाया।
मोगली बलू की बातें अच्छे से सुनता था। हर रोज वो ऊंचे ऊंचे पेड़ पे चढ़कर खाना खाता था। बलू ने उसे जंगल की आवाजों को पहचानना भी सिखाया। उसे मोगली पे नाज था। क्या दौड़ता था मोगली और क्या तैरता था। बगीरा ने उसे सिखाया कैसे इंसान के फंदों को पहचाना जाए और कैसे उनसे बचे। एक दिन एक छोटा भेड़िया एक फंदे में फंस गया। शेर खान इस बच्चे का शिकार करके इसे खाना चाहता था, पर उससे एक कदम पहले मोगली ने उसे बचा लिया। शेर खान को ये हार बुरी लगी। बलू ने मोगली को खतरे के वक्त लगाने वाली आवाज भी सिखाई। मोगली को ये भी याद हो गया, जंगल का कोई भी जानवर मोगली को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये जान के कि मोगली को वो अकेला नहीं पकड़ सकेगा, शेर खान जंगल के सबसे खतरनाक जानवर बंदर लोग के पास गया और उन्हें मोगली के बारे में बताया। मोगली को जो भी मालूम है अगर वो हमें सिखा दे तो हम जंगल के सबसे सयाने जानवर बन जाएंगे। एक दिन जब मोगली अपने लिए बरसाती बना रहा था, तब बंदर लोग उसे दूर से चुपचाप देख रहे थे। वो उसे किडनैप करने का मौका ढूंढ रहे थे। शाम होते ही वो मोगली को उठाकर घने जंगल में अपने अड्डे पे लेके गए। वो अब बंदर लोग के बीच में था। मोगली को जब समझ आया कि उसे किडनैप किया गया है, वो सोचने लगा। उसे किसी भी तरह बगीरा और बलू को खबर देनी होगी। अचानक उसे वल्चर चील दिखा आसमान में उड़ता हुआ। उसको खतरे वाली आवाज याद आई। अपना खून एक रंग लाल लाल लाल। ये सुनते ही चील समझ गया कि मोगली उसका कोई अपना ही है और ये कि वो खतरे में है। मेरा नाम मोगली है, बलू और बगीरा को बताओगे कि मैं फंसा हुआ हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं, चील बोला और उसने उड़ान भरी खबर पहुंचाने के लिए। बंदर लोग उसे उठा के अपनी गुफा में ले गए। बंदर नगर में इस घने जंगल में एक किला था जिसे इंसान सालों पहले छोड़ चुके थे। मोगली ने भागने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा ना हुआ। बगीरा और बलू ने सांप के से मदद मांगी। वो तीनों बंदर नगर में एक मूर्ति के पीछे छिप गए। उनको कई बंदर मोगली के आसपास नजर आ रहे थे। वो मोगली को बचाने का मौका ढूंढ रहे थे और मौका आते ही के बोला, अभी चलो, सही मौका है। बगीरा पहले गया धीरे से बंदरों को डराने, फिर वो अपने पंजों से बंदरों पे वार करने लगा। सारे बंदर डर के मारे भागे। अचानक बगीरा को बंदरों ने घेर लिया। बंदरों ने मोगली को पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया। मोगली को बगीरा के लड़ने की आवाज आ रही थी। उसे याद था कि खंडर के नीचे पानी का कुंड है और उसे ये भी मालूम था कि बंदर पानी से डरते हैं। बगीरा जल्दी से पानी में कूद जाओ। बगीरा भाग के पानी में कूदा। अब बलू को भी बंदरों ने घेर लिया था। बलू अपने बचाव के लिए अपने पंजों से लड़ रहा था। वो अच्छा लड़ रहा था पर बंदर बहुत ज्यादा थे और बलू अकेला पड़ गया।
उधर बगीरा पानी में बेबस था, अपने दोस्त की मदद नहीं कर पा रहा था। बलू बंदरों में उलझा हुआ था कि के वहां आया। के ने अपनी पूंछ से बंदरों को थप्पड़ मारा और सब भागे। बंदर के से हमेशा डरते थे, उसके सामने टिक नहीं पाते थे। जब वो लोग वहां से दूर घने जंगल में चले गए, बलू आजाद हो गया। फिर के ने फूंक मारी और बंदर सब सुन्न हो गए। उनकी आवाज बंद हो गई और एकदम से सन्नाटा हो गया। मौके का फायदा उठाते हुए बगीरा पानी से बाहर निकला। मोगली उस कमरे से चिल्लाया, मैं यहां हूं, इस कमरे में। के ने पूंछ मारी और दीवार गिर गई और मोगली कूद के बाहर आ गया। बलू ने उसे गले लगा लिया। ओ, ठीक तो ना तुम? हाँ ठीक हूँ, पर भूख लगी है बड़ी। तुम सबने अपनी ना सोच के मेरी जान बचाई, थैंक यू उसके लिए। मोगली के को देखकर बहुत खुश हुआ। तुम ना होते तो क्या होता, थैंक यू। मोगली, बलू और बगीरा के को बाय कह के घर की तरफ गए। अब शेर खान को ये बात समझ में आ गई थी कि जिसके रिश्ते इतने मजबूत हैं, वो उसे घायल नहीं कर सकता। वो अपने घर को लौट गया और वापस नहीं आया। कई साल गुजर गए और मोगली एक नौजवान बन गया था। एक दिन वो इंसानों के गांव के आसपास गया। उसे एक औरत दिखी जिसने उसे पहचान लिया। ये वो बेटा था जिसे एक बाघ ने सालों पहले छीन लिया था। उसने वो बच्चा मोगली को दे दिया। मोगली चौंक गया क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल बचपन का मोगली लगता था। तब उसे समझ में आया कि वो बच्चा उसका भाई और वो औरत उसकी माँ है। बलू, बगीरा और के उन्हें देख रहे थे। ओ, अब तुम अपने परिवार के साथ रह सकते हो। जरूरत हो हमारी महसूस तो आवाज लगा देना बस। तुम हमारे भाई हो, ये भूलना मत कभी। गुड बाय मोगली। उसके दोस्तों ने उससे विदा लिया और मोगली अपने इस परिवार के साथ खुशी से रहा। पर उसने अपने जंगल के उस परिवार को कभी नहीं भुलाया जिनसे उसका प्यार का रिश्ता था। एक जंगल में एक बदसूरत चूहा रहता था। वो उस मामले में भेड़िया, लोमड़ी और खुद से भी बहुत डरता था। अगर हवा बहती है और पेड़ की शाखा टूट जाए तो वो उस छेद के चारों ओर देखता था जहां वो छिप सके। इसी वजह से सभी छोटे जानवरों ने उसका मजाक उड़ाया था। वो कितना डरा हुआ है। तुम हवा से भी डरते हो? तुम बहुत डरे हुए हो। तुम बहुत डरे हुए हो। तुम बहुत डरे हुए हो। एक दिन चूहा अच्छे से तैयारी करके जंगल के राजा शेर से मिलने गया। शेर ने अभी अभी खाना खाया था और वो अपनी गुफा के सामने एक झपके ले रहा था। चूहे ने कौन सी योजना बनाई होगी ये जानने के लिए उसके दोस्त बहुत उत्सुक थे। चूहे ने शेर की पूंछ पर चढ़ना शुरू कर दिया। वो शेर की पीठ पर भी चढ़ गया। अपने चेहरे पर एक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उसने अपने दोस्तों को एक पोज भी दी। हालांकि वो बहुत डर गया था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा था। उसी समय शेर जाग गया और जैसे ही उसने फर को हिलाया, चूहा नीचे गिर पड़ा।
चूहा और शेर दोनों की नजरें मिली। अन्य सभी जानवर बहुत चिंतित थे। अरे बाप रे, अब शेर चूहे को निकल जाएगा। वाह क्या हिम्मत है, क्या साहस है, तुम मेरी पीठ पर क्या कर रहे हो? जंगल के राजा, कृपया मुझे खाइए मत, मैं तो सबसे ज्यादा डरा हुआ हूँ और सबसे ज्यादा कमजोर भी हूँ। मेरा जीवन तो भय से ही गुजर रहा है, अगर पेड़ से पत्ता भी गिरे तो भी मैं डर जाता हूँ। मैं से तंग आ गया हूँ, मुझे इस डर से छुटकारा चाहिए। आप तो इस जंगल के राजा हैं, आपके सिर्फ गर्जना से ही सारे जानवर डर जाते हैं, क्या आप मुझे अपनी शरण में लेंगे? शेर ने चुपचाप चूहे को सुना। चूहा सोच रहा था कि शेर का जवाब क्या होगा। पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मुझे सिर्फ एक कारण बताओ कि मैं तुझे क्यों ना खाऊं। आपकी मदद वापस आ जाएगी, मैं वादा करता हूँ। शायद एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। जैसे ही चूहे ने अपनी बात पूरी की, शेर इस तरह दहाड़ा। आओ छोटे से चूहे हो तुम मेरी क्या मदद करोगे? आओ। लेकिन उसके सामने छोटे से चूहे को कपकपाता देख शेर ने उसे ना खाने का फैसला किया। भगवान का शुक्र है मेरा पेट भरा हुआ है, अब मेरे सामने से चले जाओ। चूहा वहां से भाग निकला। दूर से जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर चूहे के दोस्त वास्तव में आश्चर्यचकित थे। कुछ समय बीत चुका था, शेर को भूख लगी और उसने जंगल में चारों ओर घूमना शुरू कर दिया, लेकिन वो शिकारी के जाल को नहीं देख सका और पकड़ा गया। वो एक बड़े से जाल में हवा में लटक रहा था। उसने जाल से मुक्त होने की कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो जंगल का राजा था, इसलिए अगर वो मदद के लिए चिल्लाता तो वो अपमानित होता, और अगर शिकारी सुनेंगे तो तेजी से लेने आ जाएंगे। ये सब सोचकर उसने इंतजार करना शुरू किया। इस बीच जंगल के अन्य जानवरों ने शेर को देखा, लेकिन किसी ने भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। वहां से गुजरते हुए चूहे ने देखा और उसकी मदद करने का फैसला किया। वो सीधे उसके पास चला गया। उसने शेर की लंबी पूंछ पर चढ़ना शुरू कर दिया और जब वो जाल पर पहुंचा तो उसे चबाने लगा। उसी समय बनी भी वहां आ पहुंचा। हे दोस्त, जल्दी करो, शिकारी आ रहे हैं। अन्य जानवर जो चारों ओर इकट्ठा हुए थे अचानक शिकारी का शब्द सुनकर वहां से भागने लगे, पर चूहा दृढ़ता से चबाता रहा। अंत में जाल अलग हो गया और शेर गिर गया और वहां से दूर चला गया। चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम यहाँ से निकल चलते हैं। चूहा शेर की पीठ पर कूद गया और वे वहां से चले गए। फूली सांस के साथ दोनों गुफा में पहुंचे। शेर ने नीचे घुटने टेके और चूहा कूद गया। जब तुमने मुझे बताया था कि एक दिन तुम मेरी मदद करोगे तो मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मुझे लगा तुम एक छोटे से चूहे हो जिसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। इसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज। अब तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। असल में तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम एक साहसी चूहे हो। अगर मैं जंगल का राजा हूँ तो अब से तुम मेरे साहसी राजकुमार हो। शेर और चूहे ने हंसना शुरू किया।
सभी जानवर जो दूर से छुपकर ये सब देख रहे थे वहाँ से बाहर आए और साहसी चूहे की सराहना की। शेर और चूहा सबसे अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में हमेशा के लिए शांति बनी रही। शेर, चूहा और सोया हुआ भालू। एक बार की बात है, हरे भरे जंगलों में एक छोटा चूहा रहता था। पास की गुफा में एक बहुत बड़ा भालू रहता था। बड़ा भालू जो महीनों पहले हाइबरनेट हो गया था अभी भी सो रहा था और जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। छोटा चूहा भालू को जगाने के लिए एक दिन उसके पास गया, क्योंकि भालू के जोर जोर के खर्राटों के कारण वो सारी सर्दी सो नहीं पाया था। भालू, मिस्टर भालू, भालू भाई, गर्मी आ गई है, अब आप उठ जाइए। हालांकि भालू अभी भी नहीं उठा था, छोटा चूहा इस बार बिगुल लेकर भालू के पास आया। उसने जोर से बिगुल में फूंक मारकर बचाया, लेकिन भालू सोता रहा। जब छोटा चूहा जंगल में नींद से भटक रहा था, वो कई पशु मित्रों से मिला। क्या हुआ छोटे चूहे, आप इतने उदास क्यों हैं? सारी सर्दी में भालू के खर्राटों के कारण सो नहीं पाया, गर्मी आ गई है और वो अभी भी नहीं उठा। शायद जंगल का राजा शेर आपकी मदद कर पाए। क्या, मैं उससे बात कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि शेर इतनी जोर से दहाड़ता है कि हर कोई कूद जाता है जैसे ही उसकी तेज आवाज सुनाई देती है। हालांकि छोटा चूहा इस विचार से थोड़ा डरा हुआ था, पर वो मदद के लिए विनती करने जंगल के राजा शेर के पास गया। शेर अपनी गुफा के सामने सो रहा था। शक्तिशाली जानवर को देखकर छोटा चूहा घबरा गया, इसलिए उसने अपनी योजना छोड़ घर वापस जाने का फैसला किया। लेकिन गलती से एक शाखा पर कदम पड़ने से शेर जाग गया और एक छोटी कांपती आवाज उसके कानों में पहुंची। ये क्या हो रहा है और तुम मेरी गुफा के सामने क्या कर रहे हो? ओ, जंगल के राजा, आपको जगाने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं आपसे मदद मांगने आया था। तुम तो मेरे नाश्ते में खाने लायक भी नहीं हो छोटे चूहे, भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? प्यारे भयानक शेर जी, आपको मेरे पड़ोसी बड़े भालू को जगाना होगा जो हाइबरनेशन से नहीं उठेगा। मुझे नहीं लगता मैं किसी तरह उसे जगा सकता हूँ, मैं छोटा हूँ और मेरी आवाज भी कम है, लेकिन आपकी एक दहाड़ सब कुछ हल कर देगी। मेरे पास तुम्हारे जैसे छोटे मोटे बेकार चूहे के लिए खर्च करने का समय नहीं है, मैं जंगल का राजा हूँ। शेर चूहे की मदद किए बिना चला गया। वो एक ऐसे कोने में गया जहाँ उसे कोई नहीं देख सकता था। वो एक पेड़ के विपरीत झुक गया और पागलों की तरह खुजली करने लगा। शेर को इतनी खुजली हो रही थी कि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे इस तरह देखे, क्योंकि वो जंगल का राजा था। दूसरी ओर छोटा चूहा उदास होकर घर जा रहा था और उसने जंगल की गहराइयों में घर घराहट की आवाज सुनी। जब जिज्ञासावश वो वहां गया जहां से आवाज आ रही थी, तो उसने शेर को देखा जो बिना रुके खुजली कर रहा था। चूहा तुरंत शेर के पास पहुंचा। जब शेर ने देखा तो उसने खुजली करना बंद कर दिया, लेकिन ये स्पष्ट था कि खुजली के कारण वो अभी भी दर्द और बेचैनी में था। शेर सिंह जी, क्या हुआ आपको? मुझे नहीं पता चूहे, मुझे नहीं पता, मैं खुद की खुजली नहीं बंद कर पा रहा हूँ। तुमने कुछ देखा या सुना नहीं छोटे चूहे, समझ आई बात? चूहे ने ध्यान से अपनी नन्ही आंखों को शेर पर टिका दिया और देखा कि उसके फर में छोटे छोटे पिस्सू कूद रहे हैं। उसी क्षण चूहा समझ गया कि पराक्रमी शेर जी को इतनी खुजली क्यों हो रही है। ओ, आपके शरीर पर पिस्सू है। ओ, ओ,
तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम तो सिर्फ एक छोटे से चूहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो। शेर के तीखे व्यंगों को नजरअंदाज करते हुए छोटा चूहा बहादुरी से उस पर कूद गया। तुम क्या कर रहे हो? चलो नीचे उतर जाओ। चूहे ने मोटे टेढ़े मेढ़े फर में रेंगना शुरू कर दिया और सभी पिस्सू बाहर फेंक दिए। लेकिन इससे शेर की हालत और भी खराब हो गई। वो अपने पंजों से खुजली करने लगा। शेर खुजली को सहन नहीं कर सका और अपनी पीठ को पेड़ पर टिका दिया। इस बार वो दाएं और बाएं रगड़ने लगा। अरे नहीं, मैं तो लगभग कुचला ही जाता। मैं नहीं रुक सकता। तुम मुझ पर जितना दौड़ रहे हो, मुझे उतनी ही खुजली हो रही है। शेर पास की झील की तरफ भागा। वो जल्दी से पानी में कूद गया। उसकी पीठ पर बैठा चूहा लगभग डूबने ही वाला था। श्रीमान शेर, तुरंत पानी से बाहर निकलिए, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। जंगल का राजा शेर झील से बाहर आया और खुद को सुखाने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने शरीर को इतनी तेजी से हिलाया कि चूहा मुश्किल से उस लापरवाह शेर पर लटक पाया। राजा जी, मैंने लगभग खुजली को खत्म कर दिया है, बस बाईं ओर थोड़ा और। शेर ने आखिरकार खुद को रोक लिया। इस बीच चूहे ने शेर पर रह गए अंतिम कुछ पिस्सुओं को भी बाहर निकाल दिया। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खुजली चली गई हो। क्योंकि मैंने आपके शरीर से सभी पिस्सू साफ कर दिए हैं सर। शेर अपने बदतमीज होने से बहुत शर्मिंदा था। जब तुमने मुझसे मदद मांगी तो मैंने तुम्हें नीची नजर से देखा चूहे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की और मेरी खुजली को दूर कर दिया, और इस कठिन परिस्थिति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारा धन्यवाद। आपका स्वागत है श्रीमान शेर। चलो मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। जब छोटा चूहा और बड़ा शेर चूहे के घर पहुँचे तो उन्होंने बड़े भालू की गुफा से आती खर्राटों की तेज आवाजें सुनी। हो, ये किस तरह की आवाज है? फिर भी गुफा में दाखिल हुए। हाँ, तुम सही थे चूहे, गर्मी आ गई है और बड़ा भालू अभी भी सो रहा है। जंगल के राजा शेर ने एक गहरी सांस ली और बड़े भालू के कानों में इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि उसकी गुफा के पत्थर हिलने लगे। इस जोरदार दहाड़ के लिए धन्यवाद। भालू आखिरकार जाग गया और गुफा से बाहर भागा। हाँ? क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? क्या हुआ? क्या सूरज निकल आया? क्या ये गर्मी है? ये क्या हो रहा है? और सभी जंगली जानवर इस मूर्ख बड़े भालू पर हंसने लगे। छोटा चूहा भी बहुत खुश था कि आखिरकार खर्राटे खत्म हो गए। एक बार की बात है, दूर एक जंगल में टिडालिक्स नाम का एक छोटा मेंढक था। टिडालिक्स को धूप के मौसम में खेलना बहुत पसंद था। वो झील के किनारे अपने कुछ मित्रों से मिला और वो उसके साथ कमल के फूलों पर कूदने लगे। नौ और दस। मैं जीत गया। मैं जीत गया। क्या बात है, तुमने फिर से कर दिखाया। मेंढक दोस्तों के इस कूदने वाले खेल ने उन्हें बहुत थका दिया और इसलिए उन्हें बहुत प्यास लगाई। चलो थोड़ा पानी पीते हैं। तीनों मेंढक मित्र एक बड़े पत्ते पर मिले और मिलकर पानी पीने लगे। टिडलिक्स इतनी तेजी से पानी पी रहा था
कि दूसरे मेंढकों ने उसे चेतावनी दी। अरे थोड़ा आराम से पियो, नहीं तो तुम्हारा पेट फूल जाएगा, समझ गए? पर मुझे बहुत प्यास लगी है, अभी तो मैं और पानी पीऊंगा। मुझे लगता है कि हमें उसे रोकना चाहिए। थोड़ी देर बाद टिडलिक्स, जिसका पेट पानी से फूल गया था, अचानक रुक गया, क्योंकि झील में पीने के लिए पानी की एक भी बूंद नहीं बची थी। अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे बहुत सारा पानी था, कहाँ गया सारा पानी? क्योंकि तुमने ये सब पी लिया टिडलिक्स। क्या? ठीक है, पर मुझे तो लग रहा है कि मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया। इतना सारा पानी पीने के बाद भी तुम्हें कैसे प्यास लग सकती है? इस जंगल में मुझे और कहाँ पानी मिलेगा, जल्दी बताओ जल्दी। उन विशाल पेड़ों के पीछे एक नाला है। चुप, तुम उसे क्यों बता रही हो? अगर उसने जाके नाला भी सुखा दिया तो? टिडलिक्स फूले हुए पेट के साथ अपने दोस्तों से दूर चला गया। मेंढक मित्र, जो आश्चर्य से उसे घूर रहे थे, तुरंत विशाल दरियाई घोड़े को बताने के लिए गए। उस समय एक विशाल दरियाई घोड़ा एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और उसकी सहायक लोमड़ी ठीक उसके सामने पहरा दे रही थी। कैसे हो लोमड़ी? वो दरअसल हमें अभी के अभी दरियाई घोड़े से बात करनी है। अभी नहीं, वो अभी गहरी नींद में है। बेहतर होगा कि आप उसे जगा दें। भला ऐसी भी क्या बात है जो उसकी नींद से ज्यादा जरूरी है, छोटे मेंढको? देखो थोड़ा जल्दी करो, नहीं तो हमारे पास खाने पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं रहेगी। जब लोमड़ी ने मेंढक के डर और घबराहट को देखा तो उसने विशाल दरियाई घोड़े को जगाया। दरियाई घोड़े ने अपनी आंखें चौड़ी की और दोनों मेंढक मित्रों को झुककर देखने लगा। मेंढकों ने बताया कि क्या हुआ था और फिर वे विशाल दरियाई घोड़ी के सिर पर कूदने लगे और टिडलिक्स की तलाश में निकल पड़े। अगर हमारा सारा पीने का पानी खत्म हो गया तो जंगल के जानवरों के लिए मुसीबत हो जाएगी। उसी समय सूजे हुए पेट वाला टिडलिक्स नाले पर आ गया। अरे वाह, यहाँ कितना सारा पानी है। एक खरगोश, जिसने टिडलिक्स मेंढक को नाले के पास पानी पीते हुए देखा था, किनारे पर आकर पानी पीने वाला था, लेकिन मेंढक ने उसे चेतावनी दी। ओए खरगोश, यहाँ का सारा पानी मेरा है, कहीं और जाके पानी पियो तुम। लेकिन यहाँ कोई और पानी नहीं है, झील भी सूख गई है। खरगोश की बातों को बिना सुने मेंढक ने झील का सारा पानी पी लिया। और अब उसका पेट पहले से भी ज्यादा फूल गया था। मुझे यहाँ आसपास पानी और कहाँ मिल सकता है? खरगोश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मेरे एक घूंट पानी पीने से पहले तुमने नाले का सारा पानी खत्म कर दिया और अभी और पीना चाहते हो? मैंने झील का पानी पी लिया, मैंने नाला सुखा दिया, मैं सारा पानी पी लूंगा। टिडलिक्स ने जंगल में पानी की तलाश जारी रखी और उसका पेट बड़ा और बड़ा होता चला गया। उसे जहाँ कहीं भी पानी दिखाई देता, वो उसे और पीने लगा। जंगल के सारे नदी नाले और झीलें सूख गई थीं। जंगल के निवासी ये सब देखकर बहुत परेशान थे। ना तो उल्लू को ही पानी मिल रहा था
और ना ही किसी और जानवर को। अंत में विशाल दरियाई घोड़े और छोटे मेंढक मित्रों ने उदास खरगोश को झील के पास खड़े हुए देखा। क्या तुमने यहाँ एक प्यासे मेंढक को देखा है नन्हे खरगोश? हाँ हाँ, वो उस तरफ चला गया, उसने सारा पानी खत्म कर दिया है। विशाल दरियाई घोड़ा अपनी पूरी ताकत से दौड़ा और टिडलिक्स का पीछा करने लगा। जंगल के बाकी जानवर भी उसके पीछे हो लिए। टिडलिक्स उस आखिरी तालाब का पानी भी पीने ही वाला था कि तभी दरियाई घोड़ा और बाकी सभी प्यासे जानवर उसके सामने आकर खड़े हो गए। टिडलिक्स, बस रुक जाओ, तुमने जंगल का सारा पानी पी लिया है और हमारे लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ी। तुम्हें झील और नाले का पानी वापस देना होगा। तुम्हारे मेंढक दोस्त सही कह रहे हैं टिडलिक्स, क्योंकि मेरे जैसे विशाल दरियाई घोड़े और जंगल के बाकी सभी जानवरों को पानी की बहुत जरूरत है। पौधों, पेड़ों, कीड़ों को भी पानी की जरूरत होती है। कृपया अपना मुंह खोलो और पेट पे भरा पानी हमें वापस दो। भले ही जंगल के निवासियों ने टिडलिक्स से भीख मांगी जिसका पेट पानी से भरा हुआ था, पर वो अपने द्वारा पिए गए पानी को वापस देने के लिए तैयार नहीं था। अब हम क्या करने वाले हैं? अगर हम उसे हंसा दें तो वो पानी को और काबू में नहीं रख पाएगा और हमें सारा पानी वापस मिल जाएगा। ये अच्छी तरकीब है, और वैसे भी टिडलिक्स को हंसना पसंद है। खरगोश को एक टोपी मिली, वो उससे मेंढक का मनोरंजन करने लगा। हालांकि टिडलिक्स को खरगोश की इन हरकतों से मजा आ रहा था, लेकिन वो हंसने से बचने के लिए खुद को संयमित करने में कामयाब रहा। इस बार पांडा मंच पर था। वो इतना मजेदार डांस कर रहा था कि जंगल में हर कोई उस पर हंसने लगा, लेकिन टिडलिक्स पांडा के डांस पर भी नहीं हंसा। फिर छोटी गिलहरी ने जल्दी से एक तस्वीर बनानी शुरू की। जंगल के बाकी जानवर अब उसकी प्रतीक्षा करने लगे। जब गिलहरी ने उसे अपनी बनाई तस्वीर दिखाई तो सब हंस पड़े, लेकिन टिडलिक्स बिल्कुल नहीं हंसा। आखिर में विशाल दरियाई घोड़ा उसे हंसाने के लिए नहीं बल्कि गुस्से में मंच पर आया। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है टिडलिक्स। विशाल दरियाई घोड़े ने घबरा कर मेंढक की तरह उछल कूद करना और गुर्राना शुरू किया। सभी जानवर हंस रहे थे क्योंकि हिप्पो जो कुछ भी कर रहा था वो सब उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। आखिरकार मेंढक टिडलिक्स खुद पर काबू नहीं रख सका और दरियाई घोड़े पर बाकियों की तरह हंसने लगा। जैसे ही उसका मुंह खुला, उसने जो पानी पिया था वो सब बाहर बह निकला। झील फिर से पहले जैसी हो गई, नाला फिर से बहने लगा और यहाँ तक कि छोटे छोटे तालाब भी फिर से भर गए। जैसे जैसे टिडलिक्स हंसता गया, उसका पेट सिकुड़ने लगा। वो अपने पुराने प्यारे मेंढक रूप में वापस आ गया। क्या बात है टिडलिक्स, तुमने अपने सभी जंगल वासियों का ध्यान रखा। ए हे, अब तुम्हारा पेट बड़ा नहीं है, अब तुम आसानी से कमल के पत्तों पर कूद सकते हो। मेरा पेट बहुत फूल गया था, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब अगली बार जब कभी भी तुम्हें प्यास लगेगी तो इस जंगल के बाकी जानवरों के बारे में भी सोचना, सबको पानी की जरूरत है। जैसे मुझे अभी पानी की जरूरत है नहाने के लिए। तुम सही थे दोस्तों।
फिर से पानी पीकर जंगलवासी बहुत खुश हुए, क्योंकि पानी जंगल का सबसे कीमती हिस्सा है। एक समय की बात है, दूर एक गांव में एक बूढ़ा जोड़ा रहता था। इस जोड़े के पास एक गोल मटोल जंगली बिल्ली थी, जिसका नाम था माइलो। लेकिन वो इस घर में रहने वाला अकेला जानवर नहीं था। चूहों का एक बहुत बड़ा परिवार दीवारों के भीतर रहता था। भोजन की तलाश में घर के चारों ओर दौड़ते समय उन्हें सावधान रहना पड़ता था कि वो माइलो द्वारा पकड़े न जाए। कैच! मैंने पकड़ लिया। सावधान, माइलो तुम्हारे पीछे है। जब भी चूहे अपने घरों से भोजन लेने के लिए बाहर निकलते, माइलो उनका शिकार करने की कोशिश करती। हाँ, क्या सब यहाँ है गोंजो? मैं यहाँ हूँ माँ। ठीक है, मेरी राजकुमारी बेटी यहाँ है? हाँ माँ। अब हम खा सकते हैं। चलो बच्चों। जब चूहा परिवार अपना खाना खा रहा था, माइलो ने उनके घर को ध्यान से देखा। बच्चों, मस्ती मत करो, अपना खाना खाओ। लेकिन अभी माँ माउस ये कह रही थी, उसी समय गुस्सेल माइलो ने अपना पंजा चूहे के घर में डाल दिया। उसके तेज पंजे ने राजकुमारी को उसकी पूंछ से पकड़ लिया। चूहा परिवार डर के मारे जान बचाने इधर उधर भागने लगा। बचाओ, उसे मेरी पूंछ मिल गई है। माइलो राजकुमारी को खाने ही वाली थी कि उसके भाई पोको ने बहादुरी से उसे बचाया। माइलो को चाहिए था, वो नहीं मिला। ये देख जंगली माइलो बड़बड़ाया और अपने बिस्तर पर वापस चला गया। अगले दिन भीड़ भाड़ वाले चूहे परिवार ने एक बैठक की। हम कुछ भी कर ले, पर माइलो इतनी शांति से चलता है कि हमें पता नहीं चलेगा कि वो हमें कब और कहाँ पकड़ ले। हाँ हाँ, सही है, हाँ सही है, सही है, हाँ। तो हमें एक योजना बनानी चाहिए। जब हर किसी के दिमाग में कठिन और गहरा विचार आ रहा था, तब गोंजो को एक अच्छी आइडिया सूझी। मुझे मिल गया, हम माइलो के गले में एक जिंगल बेल लटकाएंगे, ताकि वो जब भी हमारे करीब आए, हमें उस आवाज से पहले ही पता चले और हम आराम से छुप सके। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, तो क्या बात है? बात है। मुझे भी ये विचार पसंद आया गोंजो, लेकिन बिल्ली के गले में जिंगल बेल लटका सके इतनी हिम्मत किस चूहे में है? मैं नहीं कर सकता। मैं इसे कभी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। गोंजो, ये बहुत खतरनाक है। मेरे पास एक आइडिया है। अगली रात पापा चूहे ने चुपके से माइलो पर नजर रखी और उसकी रोज की शरारतों को ठीक से परख लिया। आखिरकार बिल्ली सो गई और फादर माउस ने योजना शुरू करने का संकेत दिया। सबसे पहले चूहों में से एक ने चूल्हे पर रखे बर्तन का ढक्कन बंद कर दिया, ताकि माइलो भोजन की गंध से ना उठे। फिर अन्य दो चूहों ने बिल्ली के कानों को छोटे स्पंज से बंद कर दिया, ताकि माइलो जिंगल बेल की आवाज से ना उठे। और अंत में पिता, माता और चूहे के भाई बहनों ने सावधानी से गोंजो को एक धागे से पकड़ लिया और उसे धीरे से माइलो के सिर की ओर सरका दिया। गोंजो ने ध्यान से बिना माइलो को देखे जिंगल बेल माइलो के गर्दन में लटका दी। प्लान पूरा होते ही चूहा परिवार तुरंत अपने घर वापस चला गया। और उसी दिन से जब भी गुस्सेल माइलो ने घर के कोनों में चूहों का शिकार करने की कोशिश की, चूहा परिवार जिंगल बेल की आवाज सुनकर पहले ही कहीं आसानी से छुप जाया करता था। ये हुई ना बात। एक बार की बात है, दूर एक देश में एक बूढ़े किसान ने अपने दो बेटों को उनके साथ बात करने के लिए बुलाया। मेरे बच्चों, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी होने वाली पत्नियों के साथ एक खुशहाल जीवन बिताओ। किसान अपने बेटों के साथ
बगीचे में जंगली इलाके में गया। उसने अपने बेटों से एक एक पेड़ काटने को कहा। जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कट के गिरेगा उसी दिशा में तुम्हें अपनी होने वाली साथी मिलेगी, लेकिन हर एक काटे हुए पेड़ के लिए तुम्हें एक पौधा लगाना होगा। लड़कों ने पहले दो पौधे जमीन में लगाए, फिर बड़े भाई जैक ने सबसे पुराने पेड़ को काट दिया जैसा कि उसके पिता ने कहा था, और पेड़ उत्तरी रास्ते पर गिर गया। बाद में सबसे छोटे भाई थॉमस ने एक पुराना पेड़ काट दिया, लेकिन उसका पेड़ जंगल की सड़क के बीच में गिर गया। ऐसा लगता है तुम्हारे जीवन में कोई लड़की नहीं बल्कि एक हिरण लिखा हुआ है। थॉमस अपने भाई के चिढ़ाने पर परेशान नहीं हुआ। दोनों भाई बड़े साहस के साथ निकल पड़े। कुछ समय बाद जैक अपने सच्चे प्यार तक पहुंच गया, जिसे उसने उत्तर में पाया। उसने उसे फूल दिए और उसे अपनी पत्नी बनने के लिए कहा। लेकिन थॉमस उजाड़ जंगल में अकेला घूम रहा था। आखिरकार उसने पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी देखी। वो अंदर गया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या मतलब यहाँ कोई नहीं है? मैं यहाँ हूँ। क्या? एक चूहिया झोपड़ी के एक कोने में अपने बालों में धीरे से कंघी कर रही थी। आप निराश दिखाई दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुम एक चूहिया हो, इंसान नहीं। मैं तो यहाँ अपने जीवन साथी की तलाश में आया था। छोटी चूहिया ने थॉमस से कहा कि वो उसके जीवन का प्यार हो सकती है, लेकिन थॉमस को विश्वास नहीं हुआ। तो मुझे क्षमा करें, इस जंगल में आपको दूसरी लड़की नहीं मिलेगी। मैं यहाँ अकेली हूँ जो आपका सच्चा प्यार है। लेकिन मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूँ? मैं आपसे वादा करती हूँ, अभी पूरे मन से मैं आपकी राजकुमारी बनूंगी। थॉमस उसकी बातों से प्रभावित हुआ और उसे लगा कि ये उसका सच्चा प्यार होना ही चाहिए। उस शाम दोनों भाइयों ने अपने किसान पिता को उन लोगों के बारे में बताया जिनसे वे मिले थे। तो बताओ, जिनसे तुम मिले वो खाना बना लेते हैं? हाँ, वो तो खाना बना लेती है। फिर उन दोनों को मेरे लिए एक एक रोटी बनाने के लिए कहो। रास्ते में थॉमस उस झोपड़ी में गया जिसे उसने जंगल में खोजा था। ये सोचकर कि क्या कोई चूहा रोटी बना सकता है, उसने तुरंत छोटे चूहे से पूछा कि क्या वो रोटी बना सकती है। बेशक मैं बना सकती हूँ, थोड़ा इंतजार करो। छोटी चूहिया ने चांदी की घंटी बजाई और तभी कुछ चूहे उसके पास आए। छोटी चूहिया ने उनसे सबसे अच्छा गेहूं का दाना मांगा जो वो ला सकते थे। थॉमस उन्हें हैरान होकर देखने लगा। उनमें से एक चूहा गेहूं का सबसे अच्छा दाना लेकर आया। छोटी चूहिया ने इस गेहूं के दाने से स्वादिष्ट रोटी बनाई। थॉमस ने छोटी चूहिया को धन्यवाद दिया और तुरंत घर लौट आया। बड़ा भाई जैक अपने पिता के लिए राई की रोटी लाया था और थॉमस एक ताजी गेहूं की रोटी। तुम दोनों जो रोटियां लाए हो वो स्वादिष्ट है, पर थॉमस की ज्यादा अच्छी है। तो बताओ थॉमस, क्या तुम्हारी पत्नी जंगल की राजकुमारी है? किसान ने अपने बेटों से कहा कि समय आ गया है कि वो उनकी पत्नियों से मिले। थॉमस खुशी खुशी छोटी चूहिया के घर गया। नन्ही चूहिया ने अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी और चांदी की घंटी बजाई। उसके ठीक सामने एक ड्राइवर के साथ एक खूबसूरत कार आ गई। छोटी चूहिया कार में चढ़ गई और वे थॉमस के घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही वे सड़क के किनारे आगे बढ़े, वे नदी के ऊपर बने एक जर्जर पुल के पास आ गए। ड्राइवर चूहे ने पुल पर पड़े पत्थर को नहीं देखा और इससे टकरा कर कार उछल कर नदी में जा गिरी। अरे नहीं, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगा।
थॉमस पुल पर बैठकर रोने लगा और उसके आंसू नीचे नदी के पानी में गिरने लगे। तभी उसे अपने सामने एक खूबसूरत युवती दिखाई दी। उसके चांदी के बाल और नीली आंखें थी। थॉमस, कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ। क्या? पर कैसे? तुम? हाँ थॉमस, ये मैं हूँ मेरे प्रिय। मैं बहुत लंबे समय से एक जादू के वश में थी। अगर आपके आंसू नदी के पानी में नहीं मिले होते तो मैं जीवन भर चूहिया ही बनी रहती। मेरे लिए आपके प्यार के लिए धन्यवाद, मैं फिर से राजकुमारी बन गई। थॉमस और सुंदर राजकुमारी आखिरकार थॉमस के घर पहुंचे। थॉमस मेरे बच्चे, हमें खुशी है कि तुम इतनी सुंदर राजकुमारी को घर ले आए। ये पता चला है कि थॉमस की किस्मत उसके द्वारा काटे गए पेड़ के कारण नहीं थी, बल्कि इस तथ्य के कारण थी कि वो हर जानवर और इंसान के प्रति दयालु था जिसे उसने देखा था। उस दिन से थॉमस और सुंदर राजकुमारी, जो कभी एक चूहिया थी, जीवन भर एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। देखो हमारे पास एक पत्र है। अरे हाँ, ये तो तुम्हारे लिए है मेरे छोटे पांडा, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। ये बेबी पांडा के लिए पहला निमंत्रण पत्र था और वो बहुत बहुत उत्साहित था। लेकिन उसके उत्साह में उसने ध्यान भी नहीं दिया कि शरारती बच्चा भेड़िया उन्हें सुन रहा था खिड़की के पीछे से। मैं सोच रहा हूँ कि उस पत्र में क्या लिखा है। सबको पत्र मिलते हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं मिलते। बहुत अच्छे, ये निमंत्रण पत्र है। अच्छा बताओ तो जंगल में कौन आ रहा है? एक गुब्बारे बेचने वाला भालू? नहीं, जोकर तोता? नहीं, एक आइसक्रीम वाला जिराफ। हुरे, 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 तो एक हिम मानव जिराफ। अब मैं बताऊंगा कि मुझे आमंत्रित ना करने का क्या नतीजा होता है। जब सूरज पूरे शिखर पर चमक रहा था, तब सब बच्चे जानवर जो आइसक्रीम खाना चाहते थे बांस के पेड़ों के पास इकट्ठे हुए और आइसक्रीम वाले जिराफ का इंतजार करने लगे, लेकिन कोई नहीं आया। मैं इंतजार करके थक गया हूँ, कब आएगा ये आइसक्रीम वाला जिराफ? वैसे निमंत्रण पत्र पर यही पता दिया हुआ था ना, है ना? हाँ, हम सही जगह पर इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल यही। थोड़ी देर बाद आइसक्रीम वाला जिराफ बच्चे जानवरों के पास आया, पर अफसोस उसके पास कोई आइसक्रीम वाली गाड़ी नहीं थी। आप लोगों को इंतजार करवाने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरी आइसक्रीम की गाड़ी खो गई थी। आज सुबह मैंने अपनी गाड़ी में स्ट्रॉबेरी, कोको और वनीला आइसक्रीम डाली और सड़क पर निकला, पर जब मैं चलकर थक गया तो मैंने नदी किनारे एक सेब के पेड़ के नीचे आराम करना चाहा और मैं उन सेबों को खाने लगा। मैं बस निकलने ही वाला था, लेकिन सोचो मैंने क्या देखा, मेरी आइसक्रीम की गाड़ी चली गई थी। मैंने बहुत खोजा, उसे हर जगह देखा, लेकिन नहीं नहीं, मुझे वो कहीं नहीं मिली। उदास मत होइए आइसक्रीम वाले जिराफ, हम आपकी सहायता करेंगे। हम मदद करेंगे आपकी अपनी आइसक्रीम की गाड़ी ढूंढने में। सच में? वे सब आइसक्रीम की गाड़ी को खोजने के लिए सेब के पेड़ के पास गए। उस समय शरारती भेड़िया, जिसने आइसक्रीम गाड़ी को छिपाया था, अपनी ही मांद में जोरों की भूख के साथ सभी आइसक्रीम को खाने लगा। यम यम यम। ये सारी मेरी है, अब सिर्फ मैं ही आइसक्रीम खाऊंगा।
बेबी पांडा जो आइसक्रीम गाड़ी का पीछा कर रहा था उसने अपने दोस्तों को जमीन पर टायर की पटरियों के निशान दिखाए एक मैग्नीफाइंग ग्लास से। यहाँ पर है आइसक्रीम गाड़ी के निशान, इस तरफ चलो आओ। हालांकि थोड़ा आगे पहुंचकर ये चेन समाप्त हो गई क्योंकि वहाँ लंबी घास उगी हुई थी। ओ, अब हम क्या करेंगे? दोस्त मुझे खुशबू आ रही है, क्या तुम्हें भी आ रही है? जैसे कि स्ट्रॉबेरी। हाँ यही खुशबू है स्ट्रॉबेरी की। पांडा और उसके दोस्तों ने पेड़ के तने पर लिपटा हुआ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का एक टुकड़ा देखा। मुझे लगता है हम सही रास्ते पर हैं। चलो आओ इस तरफ। थोड़ी देर तक सब स्ट्रॉबेरी की खुशबू की दिशा में अच्छे से चलते रहे। हालांकि जब सड़क दलदल की ओर चली गई, तो स्ट्रॉबेरी की खुशबू आना बंद हो गई और उसकी जगह कीचड़ की गंध आने लगी। खैर हम यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन मुझे चारों तरफ एक भी आइसक्रीम गाड़ी दिखाई नहीं दे रही। आहा, ये आइसक्रीम की गाड़ी नहीं है, लेकिन कीचड़ से लथपथ टायर के निशान यहाँ अभी भी हैं। हाँ इसके अलावा इस बार सिर्फ पहिए के ही नहीं बल्कि पंजों के निशान भी हैं। ये देखो पंजों के निशान। बेबी पांडा और उसके दोस्त समझ गए कि उन्हें मिले कीचड़ के निशान एक भेड़िए के हैं। वे सभी उन निशानों का अनुसरण करते हुए भेड़िए की मान में आ गए। लोमड़ी ने कहा कि आइसक्रीम गाड़ी को ढूंढने के लिए उनमें से एक को अंदर जाना होगा। लेकिन मैं बहुत डरा हुआ हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ, मैं नहीं कर सकता। हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ। पांडा ने पूरी हिम्मत जुटाई और भेड़िए की मांद की ओर चल दिया। ये एहसास होते ही कि कोई आ रहा है, वो शरारती बच्चा भेड़िया तुरंत जोर से चिल्लाया और डराने की कोशिश की। ये कौन है? अंदर मत आओ, मैंने जाल बिछाया हुआ है। अगर तुम अंदर आओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भेड़िए की आवाज से पांडा को पता चल गया कि वो बहुत बीमार था, सो वो निडर होकर उसके पास गया और देखा कि उसने सारी आइसक्रीम खा ली है। ओह, तुम तो बहुत बीमार हो भेड़िए। मैं बीमार नहीं हूँ, सारी आइसक्रीम मेरी है, ठीक है? पांडा ने भेड़िए को मुश्किल से मनाया और उसे बाहर लेकर आया। बाकी सब जानवर और जिराफ भेड़िए को इतना बीमार देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने तुरंत उसे एक सूरज से गर्म हुए पत्थर के पास बिठाया। एक ने गर्मा गर्म फलों की चाय पिलाई, दूसरे ने स्वास्थ्यवर्धक बांस का सूप और एक अन्य ने उसे लपेटने के लिए लंबा गर्म दुपट्टा दिया। अगर तुमने आइसक्रीम की गाड़ी चोरी नहीं की होती तो हम सब मिलकर आइसक्रीम खाते और साथ में अच्छा समय बिताते। हाँ और आप इस सुंदर और गर्मी के प्यारे दिन पर कांपते और बीमार ना होते। लेकिन आप अपनी आइसक्रीम मुझे नहीं खिलाते क्योंकि मुझे तो निमंत्रण पत्र ही नहीं भेजा। जब बच्चे भेड़िए ने कहा कि उसे निमंत्रण पत्र नहीं मिला था, तो मगरमच्छ ने उसके सामने खड़े होकर पेड़ की शाखाओं की तरफ इशारा किया। मुझे लगता है आपको जो पत्र मिला है वो उधर पेड़ की डालियों में फंस गया है, वहाँ शायद इसीलिए आपने इसे नहीं देखा। ओ, यहाँ डाकिया हमेशा मालिकों को पत्र बांटता है, देखो इसमें तुम्हारा नाम भी है। उस दिन से भेड़िया और होशियार बच्चा बन गया और अपने अच्छे दोस्तों के साथ बेहतर व्यवहार करने लगा क्योंकि वो कभी नहीं भूला ये सबसे जरूरी बात कि वन जीवन में एकजुटता और दोस्ती है।